कोविड के नए वेरिएंट की दहशत के बीच केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। बात करेंगे संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, अचानक ये मीटिंग क्यों हो रही है? आखिरकार कितना कंसर्न हो बढ़ गया है दक्षिण अफ्रीका वेरियंट के बाद? निश्चित तौर पर वो कंसर्न है। जब WHO ने ही उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न का ऐलान कर दिया है, जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में लगाया जा सकता है कि भारत सरकार भी उसे लेकर इतनी ज्यादा सजग है। और इसके चलते जैसे दक्षिण अफ्रीका की बात कर लें, सिंगापुर की बात कर लें, हांगकांग की बात कर लें, तो वहां से जो लोग इंडिया आ रहे हैं ऑलरेडी उनके बारे में यह कर दिया गया था कि एक तो बहुत ज्यादा ट्रेसिंग ट्रैकिंग होनी चाहिए, दूसरा जो केसेस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उसकी जीनोम सिक्वेंसिस होने चाहिए ताकि उनके बारे में भी पता चल सके। तो ऐसे माहौल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शीर्ष अधिकारियों के साथ ये बैठक कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन को और कैसे तेज किया जाए। तकरीबन 120 करोड़ के आसपास वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं, तो ऐसे में इसको और कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है उसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो नया वेरियंट आया है उसकी ट्रेसिंग ट्रैकिंग इन सबको लेकर कितना ज्यादा भारत में क्या क्या और चीजें की जानी चाहिए, इन सारे मसलों पे पीएम अधिकारियों से अपडेट लेंगे, उन्हें निर्देश देंगे। तकरीबन 10:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। देवेंद्र, कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा और उसके अलावा जो पिछले एक हफ्ते में लोग इन देशों से लौट कर आए हैं, क्या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक की जाएगी? निश्चित तौर पर वो ऑलरेडी उसके बारे में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से सभी राज्यों को इस बात की जानकारी दे दी गई है। उन्हें यह बता दिया गया है कि किस प्रकार से इन देशों से आए लोगों को आपको ट्रेसिंग करना है, उनकी ट्रैकिंग करनी है, और अगर कोई पॉजिटिव आता है उनके संपर्क में आए हुए व्यक्ति तो उसकी कैसे जीनोम सिक्वेंसिस होनी चाहिए, जीनोम टेस्टिंग उसकी होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी जाए। तो इन सारे मसलों पर 2 दिन पहले ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने, स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर इस बारे में आगाह कर दिया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बैठक होगी तो उसमें हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए और हेल्थ और वैक्सीनेशन से जुड़े हुए जो शीर्ष अधिकारी हैं वो सारे इस बैठक में शिरकत करेंगे। अच्छा देवेंद्र, एक चीज जो इसमें साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से देखा गया था जब कोविड का पहला वेव आया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें इंटरवेन करते हुए चीजों को अपने हाथ में संभाला था, यानी पीएमओ ने संभाला था। दूसरे में ये हुआ था कि राज्यों ने कहा था कि हम अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाएंगे, जिसका नतीजा सबने भुगता है। तो यही वजह है कि तीसरी लहर अगर आने का जो अंदेशा बन रहा है नए वेरिएंट के चक्कर में, क्या पीएमओ पहले एक्टिव हो गया? नहीं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर आप बात करें तो कोरोना के केसेस जब से पहली बार चाइना में आए थे उसके कुछ दिनों के अंदर ही वहां से उनकी एक्टिविटी जो शुरू हुई थी वो लगातार जारी रही। हाँ, बीच में ये जरूर था कि क्योंकि राज्यों ने बहुत ज्यादा कुछ राज्यों ने डिमांड की थी, उसके चलते केंद्र सरकार ने कुछ अधिकार उनको दिए, फिर जब स्थिति खराब हुई तो वापस अपने हाथ में लेना पड़ा। अभी के मामले की बात कर लें, ये वेरिएंट निश्चित तौर पर यूरोप में बहुत ज्यादा कंसर्न है। WTO की बैठक जो कि 30 नवंबर से होनी थी और 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक, उस बैठक को आज सुबह ही कैंसिल किया गया है, जिसमें भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल भी जाने वाले थे। और स्विट्जरलैंड में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जर्मनी में लॉकडाउन की स्थिति जैसी बनते जा रही है। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, इन सारे बैकग्राउंड को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते कि भारत में कोई वैसा रिस्क हो, और उसके चलते जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा तेजी से किया जा सके, जिसके चलते आज 10:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है और इसलिए ये कदम भी उठाए गए हैं और उतनी ही महत्वपूर्ण ये बैठक। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए, आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। और दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए और सबसे खतरनाक वेरिएंट मिलने के बाद एक बार फिर से कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ गया है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का जो नया वेरिएंट मिला है उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन नाम दिया है। WHO ने अब तक मिले इनपुट्स के आधार पर इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि बेहद चिंताजनक बताया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये वायरस दुनिया में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वायरस से भी 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलने की ताकत रखता है। इस जानकारी के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। लोग दक्षिण अफ्रीका छोड़कर अपने अपने देश लौटने लगे हैं। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले लोगों की एंट्री बंद कर दी है। तो यूरोपियन यूनियन ने अफ्रीका से सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। तो वहीं अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका ने भी सोमवार से दक्षिण अफ्रीका से एयर कनेक्टिविटी बंद करने की बात कही है। और सबसे ताजा डायरेक्ट इफेक्ट की खबर स्विट्जरलैंड से सामने आई है, जहां के जिनेवा में होने वाले WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मंत्री स्तरीय बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से ही बैठक को स्थगित करना पड़ा है। जिनेवा में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक यह बैठक होने वाली थी। WTO के जनरल काउंसिल ने कल रात बैठक स्थगित करने का फैसला किया और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में जाने वाले थे। अब आपको बताते हैं पूरी दुनिया में एक बार फिर कोरोना का जो खौफ बढ़ रहा है उसकी वजह दरअसल है क्या। कोरोना के इस नए वेरिएंट B1
1529 के 10 म्यूटेशन मिले हैं, जो अब तक मिले सभी वेरिएंट्स में सबसे ज्यादा हैं। सबसे घातक डेल्टा में सिर्फ 2 म्यूटेशन थे। इसका पहला मरीज अफ्रीका के बोत्सवाना में मिला था, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका हांगकांग में भी इसके मरीज मिले। भारत में भी कोरोना के इस नए वेरिएंट के मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है, हालांकि कोई मरीज अभी तक यहाँ मिला नहीं है। Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. कोरोना की अगली लहर क्या पहले से भी ताकतवर होने वाली है? इस सवाल को लेकर अभी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इसे लेकर काफी दहशत है और लोग खौफ में हैं। और खौफ का आलम यह है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी आमतौर पर शांत दिखने वाले दक्षिण अफ्रीकी एयरपोर्ट पर लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही है। अपने अपने देश लौटने की होड़ इन लोगों में मची हुई है। जैसे ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। पूरे यूरोप के कई देशों में इमरजेंसी बैठकें बुलाई गई, क्योंकि यहां कई देशों में कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है और मामले भी ज्यादा आ रहे हैं, और पहले की तरह पाबंदियां भी सख्त कर दी गई हैं। ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करने के बाद जर्मनी में इलाज के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स को अलग अलग इलाकों में पहुंचाने के लिए एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया गया है, तो उधर अमेरिका में इसे लेकर रिसर्च जारी है। आखिर ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, इसे समझने के लिए इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। What you need to do is you need to get that particular sequence of the virus, put it in a form in the lab where you can actually test the different antibodies. So you can have a prediction that it might evade, or you can actually prove it. Right now, we're getting the material together with our South African colleagues to get a situation where you could actually directly test it. अब आपको बताते हैं कि अभी तक दुनिया के किन किन देशों में कोरोना का ये सबसे खतरनाक वेरिएंट मिल चुका है। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इजराइल, हांगकांग। तो ये वो देश हैं जहां कोरोना का सबसे खतरनाक यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है, और यही वजह है कि भारत भी अब इस नए वेरिएंट के आने से पहले ही भारत में अलर्ट हो गया है, और प्रभावित देशों के साथ साथ संभावित प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों पर भी अभी से नजर रखनी शुरू कर दी गई है। आपको बताते हैं कि भारत में किन देशों से आने वाले यात्रियों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन समेत यूरोपीय देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल, ये वो देश हैं जिन पर खास तौर से नजर रखी जा रही है। और कोरोना के इस खतरनाक वेरिएंट के सामने आने के बाद पूरी दुनिया अलर्ट हो गई है। अलग अलग देश अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाना शुरू कर चुके हैं। अमेरिका ने सोमवार से दक्षिण अफ्रीका समेत 7 अफ्रीकी देशों से ट्रैवल बैन लगा दिया है, और ब्रिटेन समेत यूरोपियन यूनियन ने इन देशों से दक्षिण अफ्रीका से ट्रैवल को भी बैन कर दिया है। फ्रांस ने दक्षिण अफ्रीका से उड़ानों पर पाबंदी लगाई है। कनाडा ने भी वेरिएंट को रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका से आने वालों की एंट्री पर बैन लगा दी है। कई दूसरे देश भी इसी तरह से सख्त कदम उठा रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर सबसे ज्यादा दहशत दक्षिण अफ्रीका और पड़ोसी देशों के बाद यूरोप और अमेरिका में देखी जा रही है। यूरोप के ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया जैसे देशों में पहले से लॉकडाउन है। अब नया वेरिएंट मिलने के बाद नए तरीके से यहां हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या पहले से ही ज्यादा यहां बढ़ रही है। पिछले 2 हफ्तों की बात की जाए तो 1000 मरीजों की मौत हो चुकी है, और अब ऊपर से ओमिक्रॉन को लेकर खतरा। इसे देखते हुए अमेरिका सोमवार से अफ्रीका से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उन पर रोक लगा देगा, और अफ्रीका जाने वाली फ्लाइट्स पर भी रोक लगा देगा। और यूरोपीय देशों की बात करें तो अफ्रीका की उड़ान पर पहले से ही पाबंदी यूरोपीय देश लगा चुके हैं। और कोरोना के नए वेरिएंट से बढ़ते खतरे के बीच भारत ने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। पिछले कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक 30 नवंबर तक पहले से ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक है, और सरकार ने इसे 15 दिसंबर से नियमित करने का आदेश जारी किया, लेकिन इसमें हांगकांग और इसराइल से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। नियम के तहत इन यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतरने के फौरन बाद जांच करना होगा। भारत में पहले ही कोरोना के मरीजों की तादाद पिछले 4 दिनों में लगातार बढ़ी है, और रोजाना मरीजों में 3000 का इजाफा हुआ है, तो कोरोना से होने वाली मौतें भी दुगनी हो गई हैं। आपको यह भी बता दें कि वो डेटा जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना,
पिछले चार दिनों में किस तरह कोरोना मरीजों की संख्या में जो हमने तेजी देखी है उसके बारे में। 23 नवंबर को जो मरीज 7,500 के करीब थे वो 26 नवंबर को 10,500 के करीब पहुंच गए या इससे ज्यादा। 24 नवंबर को 236 लोगों की मौत हुई थी कोरोना से, जो 26 नवंबर को बढ़कर 488 हो गई, यानी कि चार दिन में दोगुने से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।